भाजपा शिवसेना आरपीआई महायुति के ईशान्य मुंबई के उम्मीदवार मनोज कोटक की अजवांडो पर रैली निकाली गई, जहां सभी ने मनोज कोटक का स्वागत बड़े ही धूमधाम के साथ किया। जहां बड़ी संख्या में शिवसैनिक और महायुति के कार्यकर्ता उपस्थित थे, बीजेपी के ईशान्य मुंबई उम्मीदवार मनोज कोटक जी इन दिनों अपने रैली में बिजी हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये तमाम लोग उनको यहाँ पर सपोर्ट करने के आए हैं। शिवसेना हो, आरपीआई हो या बीजेपी हो, सभी कार्यकर्ता एक साथ यहाँ पर मनोज कोटक के लिए प्रचार में आए हुए हैं। उनका भी जानेंगे मत कि आखिर क्या है और लोगों के बीच वो किस चीज को लेकर पहुँच रहे हैं, क्या मुद्दा है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपको टिकट मिली है। और सर, ये क्या कहेंगे कि जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए खास करके किस तरीके की चीजें लेकर आप प्रचार में उतरे हैं? मुझे लगता है कि आम आदमी के लिए पिछले 5 साल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और इस महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस जी सरकार ने जो काम किया है आम आदमी का जीवन सुकर बनाने के लिए, मैं आम आदमी का जीवन अच्छा करने के लिए, सुसह्य करने के लिए संसद में जा रहा हूँ। आम जनता उनके बीच आप रहे हैं, यहाँ के लोकल भी हैं आप, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है लोगों को यहाँ करके क्या कहेंगे, किस चीजों को लेकर आप फोकस करें, प्रचार में किन मुद्दों को लेकर ला रहे हैं? मुझे लगता है कि भांडुप में बहुत सारा काम यहाँ के जनप्रतिनिधि, आमदार, नगर सेवक मिलकर कर रहे हैं। केंद्र सरकार के संबंधित जो योजनाएं हैं, यहाँ पे घरों का प्रश्न है, यहाँ पे अलग अलग प्रश्नों के ऊपर जब हम बात करते हैं तो लोगों का जो जो प्रश्न के ऊपर बात चलती है, अपने आप में महानगर पालिका के काम हो रहे हैं, अपने आप में राज्य सरकार के काम हो रहे हैं, केंद्र से निगड़ित कामों के ऊपर हमारा फोकस है। सर, जिस तरीके से लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान इसी चीज में उलझा कर रखा जाता है, मनोज कोटक जब जीत कर आएंगे तो लोगों के लिए सबसे पहला कार्य क्या होगा? हर माँ को मकान, हर हाथ को काम, आम आदमी को सम्मान, ये हमारा नारा है इस चुनाव में। सर, जिस तरीके राहुल गांधी कुछ दिनों पहले यहाँ पर आए थे, उन्होंने 500 स्क्वायर फीट की जमीन जो है लोगों को देने की बात की थी, ऐसे कई मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच में आते, क्या मुझे लगता है कि 2022 तक हर एक को पक्का घर देना ये मोदी जी ने तय किया है और इस दिशा में काम करने के लिए हम संसद में भी जाएंगे और संसद में इस दिशा में काम करेंगे। सर, कुछ दिनों में छुट्टियां भी चालू होने वाली हैं और लोग जो वोट देने की बजाय घूमने का भी ऐसे प्लान कर रहे हैं, तो अगर ऐसा होता है तो एक जो जिम्मेदार नागरिक होता है उससे कैसे? मुझे लगता है कि इस देश का नागरिक जिम्मेवार है, इस देश का नागरिक इस बार जिम्मेदारी से अपनी जवाबदारी निभाएगा और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति के सभी उम्मीदवारों के लिए वो मतदान करेगा। शिवसेना के विधायक अशोक पाटिल जी हमारे साथ में, सर क्या कहेंगे, शिवसेना किस तरीके से मनोज कोटक जी को यहाँ पर सपोर्ट कर रही है? नहीं, मनोज कोटक जी को सपोर्ट करने का हमारा उद्धव साहब ने जो आदेश दिया है और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी रिपाई के युति से हमारे मनोज कोटक जी यहाँ विधायक लोकसभा के लिए खड़े, तो हमारा फर्ज बनता है कि यहाँ भांडुप से ईशान्य में सबसे ज्यादा लीड देना, विकास का चल रहे है। अगर हमारा नगर सेवक शिवसेना का है, विधायक शिवसेना का, तो साथ में खासदार भी शिवसेना का चाहिए, इसके लिए युति में हम मनोज कोटक जी को यहाँ लोकसभा में भेजने वाले। सर, भांडुप के विकास की अगर बात करें, अगर जीत कर आते आप लोग महायुति में, अगर जीत कर आते तो सबसे पहला कार्य लोगों के लिए यहाँ पर क्या होगा? नहीं, भांडुप ये स्लम पॉकेट है, यहाँ स्लम में लोगों का बहुत दिन सालों से एक सपना है कि अच्छे घर में जाना, तो वो सपना पूरा करने के लिए मैं 4 साल से झगड़ रहा हूँ और मेरे साथ में मनोज जी भी रह गए, तो ये जल्दी से जल्दी उनका सपना साकार हो जाएगा। लोगों का सपना साकार करने के लिए महायुति में जिस तरीके से बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई महायुति से चल रही है, वहाँ पर जिताने का पूरा जिम्मा जो है एक दूसरे के कांधे पर लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारी न्यूज़ अपडेट सबसे पहले